Hello everyone welcome back to the channel last minute revision with RSM and here i am back with another video so this is the part fifth of the tybcom semester 6 mcq series which we have started of the subject of financial accounting तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एम सी क्यूज हमने डिस्कस किए हैं काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं तो ऑलरेडी हमने चार पार्ट को डिस्कस कर लिया है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर कमेंटिंग कि सर अगला सब्जेक्ट कब शुरू होगा अब इसके पांच पार्ट होने के बाद हम अगले सब्जेक्ट में जाएंगे और अगले सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली चलाने वाला हो एक है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरा है आपका जीएसटी तो कॉस्ट अकाउंटिंग के भी आपको एम मिलेंगे साइड बाय साइड और जीएसटी के भी आपको एम मिलेंगे तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे और आपके जो प्रिपरेशन है उसमें एक टाइप का हेल्प मेरे तरफ से आपको हो और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है द स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स रुपीज थर्टी थाउजेंड वर्थ ऑफ गुड्स परचेस फ्रॉम ए लिमिटेड ऑन विच ए लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट द अमाउंट ऑफ will be. प्रॉफिट विल भी तो काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है लेकिन ध्यान से देखो क्या बोला है थर्टी थाउजेंड का स्टॉक है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट है ठीक है तो आपको कैसे करना है एक्चुअल वैल्यू को हम क्या कंसिडर करेंगे एक्चुअल वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे हंड्रेड तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है इसमें हम प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो प्रॉफिट है हमारा ट्वेंटी फाइव ठीक है अगर हम प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी वन ट्वेंटी फाइव तो टोटल वैल्यू कितनी है वन ट्वेंटी फाइव तो अगर हम देखें तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी आई वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव के लिए आपको स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है वन ट्वेंटी फाइव के लिए आपको स्टॉक की वैल्यू दी है थर्टी थाउजेंड ठीक है वन ट्वेंटी फाइव के लिए थर्टी थाउजेंड दी है तो ट्वेंटी फाइव के लिए हाउ मच ट्वेंटी फाइव के लिए क्वेश्चन मार्क ट विल बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करना है थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटीड बाई वन टी फाइव तो विल गेट द वैल्यू एस सिक्स थाउजेंड तो ये एक मेथड है दूसरा में आपको बताता हूँ काफी सिंपल है देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है ट्वेंटी तो हमेशा में अगर हम प्रॉफिट को प्लस करते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो हमें आंसर मिलता है सेलिंग प्राइस ठीक है तो कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करेंगे तो आंसर मिलता है सेलिंग प्राइस इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस किया है अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं देखो सबसे पहले क्या करना है हंड्रेड लेना है इस हंड्रेड को आपके क्वेश्चन में कितना परसेंटेज था आपके क्वेश्चन में ट्वेंटी फाइव परसेंटेज था तो इस हंड्रेड को हम क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट से डिवाइड करेंगे तो हंड्रेड को हम ट्वेंटी फाइव परसेंट से डिवाइड करेंगे ठीक है सबसे सिंपल कैलकुलेशन है ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैसे करना है हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव करना है कितना आंसर आएगा तो आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल है फोर आंसर आ जाएगा तो जो भी आपको आंसर मिलता है उस आंसर में प्लस वन करना है प्लस वन तो आप बोलेंगे प्लस वन क्यों करना है बिकॉज कॉस्ट में हमेशा प्रॉफिट प्लस होता है तो फोर प्लस वन कितना आएगा तो आंसर आ जाएगा फाइव ठीक है फोर प्लस वन कितना आएगा फाइव आ जाएगा तो आपको अभी करना क्या है ये सब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं करना है तीस हजार आपके पास क्वेश्चन में दिया है इस तीस हजार को जो हमने ढूंढा फाइव उससे डिवाइड करना है तीस हजार को अगर आप फाइव से डिवाइड करोगे तो सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा सिक्स थाउजेंड तो आई थिंक ये शॉर्टकट बेटर है और आप शॉर्टकट से सीधा आंसर ढूंढ सकते हैं तो यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट आया है सिक्स थाउजेंड ये अमालगमेशन के चैप्टर में से है और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी will account debit to stock account i hope this is clear to all of you 6000 is the right answer for this question a second the asset which is not taken under the net assets method of calculating purchase consideration is loose tools bills receivable investments and share issue expenses इनमें से कौन सा असेट नेट असेट मेथड जो हम परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं उसमें नहीं लिया जाता तो काफी सिंपल है शेयर इश्यू एक्सपेंसेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिकस असेट्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो हम नहीं लेंगे तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हम हमारे नेट असेट्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन में नहीं लेंगे नेक्स्ट इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन या क्लोजिंग ऑफ ओल्ड बुक्स तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ये जो अमलगमेशन का एक अकाउंटिंग मेथड है अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर जब होता है तब पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होता है तो इसका राइट right आंसर है अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन केस ऑफ वैल्यूएशन जो हम फॉरेन करेंसी में करते हैं थर्टी फर्स्ट मार्च को जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है तो अगर कोई इंस्टॉलमेंट पेंडिंग होगा तो उसका हम वैल्यूएशन करते हैं इन केस ऑफ वैल्यूएशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज द प्रॉफिट अंडर एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रांसफर्ड टू तो ध्यान रखना चाहे प्रॉफिट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में हो या चाहे प्रॉफिट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन में हो वो एक ही जगह पर ट्रांसफर होता है ऑप्शन आर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो ध्यान रखना वेन एवर थर्टी फर्स्ट मार्च को हम वैल्यूएशन की एंट्री करते हैं तो वैल्यूएशन के एंट्री में आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है वैल्यूएशन की एंट्री भले आप एक्सपोर्ट में करो या इंपोर्ट में करो कभी भी बैंक अकाउंट वैल्यूएशन की एंट्री में नहीं आता तो आपकी एंट्री बनेगी पार्टीज अकाउंट डेबिट टू एफ अगर प्रॉफिट है तो और अगर लॉस है तो बनेगी एफ अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट ठीक है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सचेंज रेट एट द बैलेंस शीट डेट इज नोन एज एवरेज रेट क्लोजिंग रेट मॉनिटरी रेट या नॉन मॉनिटरी रेट तो एक्सचेंज रेट जो बैलेंस शीट के डेट पे है तो बैलेंस शीट में हमेशा हम क्या लिखते हैं बैलेंस शीट में हम हमेशा लिखते हैं क्लोजिंग तो क्लोजिंग रेट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं इन्वेंट्रीज इज ट्रीटेड एस मॉनिटरी आइटम नॉन मॉनिटरी आइटम इटम या करंट आइटम इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक तो स्टॉक को हम कौन सा आइटम कंसिडर करते हैं नॉन मॉनिटरी आइटम कंसिडर करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है हमारा दैट इज कंसिडर एज नॉन मॉनिटरी आइटम नंबर सेवन इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ लिक्विडेशन एक हॉलीडे रेम्यूनरेशन बिकमिंग पेबल बिकमिंग पेबल बोल रहा है एक्ड हॉलिडे रेम्युनरेशन बिकमिंग पेएबल टू एनी वर्कमैन इज ट्रीटेड एज दैट मीन इट इज वन काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर या अनसिक्योर्ड so, क्रेडिटर तो ध्यान रखना सिंस इट इज बिकमिंग पेएबल तो इट विल बी कंसिडर एज ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ठीक है ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का ही पार्ट है लेकिन वो बिकमिंग पेएबल बोल रहा है इसलिए इट इज ओवर राइडिंग नेक्स्ट इज नंबर एट अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज एक्सीडिंग रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड पर एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज तो ये लिमिट याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी थाउजेंड के ऊपर भी दूसरा कोई एमसीक्यू बन सकता है तो अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज एक्सीडिंग रूपीज ट्वेंटी थाउजेंड इज ट्रीटेड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल या अनसिक्योर तो इसका राइट right आंसर बनेगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ठीक है इट इज कंसिडर एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इसके पहले में क्या था वो बिकमिंग ड्यू था इसलिए वो ओवर राइडिंग था ये सीधा ट्वेंटी थाउजेंड को क्रॉस कर रहा है इसलिए वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन द डेफिशिएंसी शोन बाय डेफिशिएंसी अकाउंट विल बी इक्वल टू द डेफिशिएंसी रिवील्ड बाय द शेयर कैपिटल लिक्विडेटर्स अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट ध्यान रखना जो सरप्लस या डेफिशिएंसी अकाउंट होता है या जो सरप्लस या डेफिशिएंसी होता है वो किससे रिलेट करता है वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से रिलेट करता है दैट इज रिलेटेड विथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स तो इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है इम्पोर्ट ऑफ़ गुड्स के बेसिस पे तो सबसे पहले इसके लिए आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि वॉट इज द जर्नल एंट्री फॉर इंपोर्टिंग गुड्स तो इंपोर्ट करने का एंट्री क्या है तो एंट्री काफी सिंपल है एंट्री बनता है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट या पार्टीज के लिए अगर नाम नहीं दिया तो वी विल राइट सनरी क्रेडिटर्स अकाउंट तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट तो कौन सा अकाउंट इनमें से डेबिट होगा बोल रहा है तो राइट right आंसर बनेगा परचेजेज अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस ऑफ Import of goods. I hope this MCQ series is getting more and more clear related to the concepts of all the chapters. ये काफ़ी सारे जो chapters से related basic चीज़ें हैं तो आपके आ, पेपर में आपको एम सी क्यू बेसिस पे पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें हम एक एक करके कवर अप कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अगला अगला जो आ, च, सब्जेक्ट है वो कब शुरू होगा अभी हमने फाइव लेक्चर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंप्लीट किए हैं अभी हम कॉस्टिंग और टैक्स uh, में जो एम आपके पेपर से रिलेटेड रिलीवेंट होंगे इंपॉर्टेंट होंगे चैप्टर को रिवाइज करेंगे वो सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस बिकॉज ये सारे जो पीडीएफ है मैं वहीं पे शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पर और लास्ट मिनट रिविजन विद आर का ऐप भी है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में वेलेबल है थैंक यू वेरी मच फॉम दिस सेशन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर